हाय गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? पहले कुछ फोर्सेस के बारे में जानते हैं, फिर इलास्टिसिटी पर आते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्सेस, बेसिकली दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस विच डिफॉर्म द बॉडी। आपने किसी के मुंह पे घूंसा मारा तो उसका मुंह डिफॉर्म हो गया। द फोर्स यू अप्लाइड टू डिफॉर्म द फेस ऑफ योर फ्रेंड इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, एंड रिफॉर्मिंग फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज होती हैं। काम की बात यह है विच ट्राई टू रिगेन और विच हेल्प्स इन रिगेनिंग द शेप, ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, जैसे आपने किसी रबर को खींचा तो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब जैसे ही आप छोड़ते हैं रबर को तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो वो जो अंदर जो फोर्सेज डेवलप हुई वो रिफॉर्मिंग फोर्सेज हैं, उन्हीं की वजह से ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्ले या गुथा हुआ आटा, रोटी बनने से पहले जो स्टेट होती है, अगर आप क्ले को खींचें या उसमें एक डिफॉर्मेशन क्रिएट करें तो कोई रिफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रिफॉर्मिंग फोर्सेस नहीं है। यू कैन डिफॉर्म अ बॉडी बट दैट क्ले और आटा विल नॉट ट्राई टू रिफॉर्म इट्स शेप। सो दैट क्ले हैज़ नो रिफॉर्मिंग फोर्सेस। एंड फॉर अ बॉडी टू बी इलास्टिक इट मस्ट हैव रिफॉर्मिंग फोर्सेस। फॉर मोर द रिफॉर्मिंग फोर्सेज मोर द इलास्टिक मटीरियल विल बी। ठीक है, ये डेफिनेशन है। मोर द रिफॉर्मिंग फोर्सेज मोर द इलास्टिक मटीरियल विल बी। तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि अगर आप स्टील को खींचेंगे तो उसमें ज़्यादा रिफॉर्मिंग फोर्सेज डेवलप हो रही हैं एज कम्पेयर टू रबर। ओके, अब जानते हैं व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इज रिफॉर्मिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ओके, बेसिकली ये किसी एक क्रॉस सेक्शन पर डिफाइन किया जाता है। तो मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन पर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन पर एफ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, रिफॉर्मिंग फोर्सेस एंड ए इज द एरिया, सो स्ट्रेस विल बी एफ बाई ए। अभी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एफ होंगे और डिफरेंट टाइप्स के एज हम लेंगे। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन सम कॉन्फिगरेशन एंड दैट कॉन्फिगरेशन कैन बी लेंथ, मींस डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड मैनी मोर। ओके, तो स्ट्रेन इज चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओके, सो चेंज इन कॉन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन और द फ्रैक्शनल चेंज। अगर कभी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन लेंथ लेट्स से, सो फ्रैक्शनल चेंज डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। सिमिलरली वॉल्यूम का चेंज वगैरह भी निकाला जा सकता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ओके, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे कई आगे मॉडुलस डिफाइन करेंगे, मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, इन सब के बारे में कुछ खास बातें हम बोल सकते हैं। स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस है। ओके, बिकॉज ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, सो इट्स अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज सिमिलर टू प्रेशर। स्ट्रेस इज हैज सेम डायमेंशन दैट ऑफ प्रेशर, मगर ये प्रेशर से डिफरेंट चीज है। ठीक है, डायमेंशन भले ही सेम हो मगर ये प्रेशर से थोड़ी सी अलग चीज है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन जो है वो प्रेशर या स्ट्रेस से मैच करने लग जाएंगी बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। ओके, हाँ, एक और चीज, जितनी ज्यादा मॉडुलस होगा इलास्टिसिटी का उतना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा। ओके, मोर द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोर द इलास्टिक मटेरियल विल बी कॉल्ड। ओके, नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स रिलेटेड टू लेंथ। ओके, लेंथ या तो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब इस बॉक्स की लेंथ ही एल, आपने एक फोर्स लगाई एफ, दोनों जगह एफ परपेंडिकुलर, एंड इसकी लेंथ थोड़ी सी डेल्टा एल बढ़ गई। ये एल नॉट वॉज द इनिशियल लेंथ और ये एल इज द फाइनल लेंथ एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। तो आपने स्ट्रेस लिखा फोर्स परपेंडिकुलर बाय ए। ओके, ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेस लिखने का तरीका है किसी भी एरिया पर उस पर पड़ने वाली परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर भी एक फोर्स ऐसे लग रही होती एफ और एंगल थीटा होता, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि एफ कॉस थीटा आना है उसको हम यहाँ यूज करते और एरिया से डिवाइड करते, तब मुझे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिलता। ओके, हाँ, अब दो टाइप के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी हो सकते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल में मतलब आपने लेंथ बढ़ा दी, और कंप्रेसिव में यहाँ आपने लेंथ कंप्रेस कर दी या लेंथ कम कर दी। ठीक है, मगर स्ट्रेन अगेन वही डेल्टा एल बाय एल और एफ बाय ए इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो अगर मैं यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, वाई इज द सिंबल फॉर दैट, इज एफ परपेंडिकुलर बाय ए विच इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन हो जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन को कनेक्ट करता हुआ। ओके, ये यंग्स मॉडुलस की कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक टेंडन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यू कैन फील दिस टेंडन इन फ्रंट ऑफ योर एंकल। इसमें क्या होता है, बताया हुआ है कि ये जो टेंडन का यंग्स मॉडुलस है ये इतना है 1.2 × 10⁻⁹ पास्कल, विच इज़ वेरी मच स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, लाइक आयरन स्टील। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में ये जो टेंडन है इसकी जो इलास्टिसिटी है ये कम है एज कम्पेयर टू दीज, और वी कैन से इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो कम है जिससे कि ये आसानी से स्ट्रेच और कंप्रेस हो सके। ये भी बताया कि 2.5% तक खिंच और कंप्रेस हो जाती है व्हेन वी वॉक एंड जंप। ठीक है, तो ये यहाँ आपके पैर में यहाँ देखी जा सकती है, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड योर टेंडन। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन विल टॉक अबाउट इज वॉल्यूमेट्रिक। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अब वॉल्यूम चेंज कैसे किया जा सकता है, इसको कुछ और नाम भी देते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने के लिए बेसिकली आपको यूनिफॉर्म फोर्सेस लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से, एंड दैट इज बाय यूजिंग सम लिक्विड। ओके, सो लिक्विड की वजह से एक चारों तरफ एक सेम यूनिफॉर्म प्रेशर आ जाता है और बॉडी कंप्रेस या एक्सपैंड हो जाती है। ओके, तो इनिशियल स्टेट ऐसी थी, आपने चारों तरफ से फोर्स लगाई और ये बॉडी थोड़ा वॉल्यूम में चेंज आ गया, डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम। यहाँ ये दिखाया कि डेल्टा वी जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, मीन्स चेंज इज नेगेटिव, मीन्स कंप्रेशन हो रहा है। ओके, सो बल्क मॉडुलस, इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं, माइनस डेल्टा पी, आपने चेंज कितना किया प्रेशर में जिसकी वजह से कुछ चेंज आया वॉल्यूम में, डिवाइड बाय दिस। एंड दिस नेगेटिव साइन हेयर इंडिकेट्स दैट अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव आया, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, हाँ, इस एक्सप्रेशन को कई बार आप ऐसे भी यूज करते हैं, माइनस डी पी बाय डी वी इंटू वी। ओके, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा माइनस वी डी पी बाय डी वी। ओके, और कोई भी प्रोसेस जैसे कि पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड बात नहीं है मगर जान सकते हैं, पी वी टू द पावर एक्स इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा पी डी वी डी पी इंटू वी टू द पावर एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, एक्स आगे वी टू द पावर एक्स माइनस वन एंड डी वी इंटू पी इक्वल टू 0। वी टू द पावर एक्स माइनस वन कॉमन लेके यहाँ बचता है वी डी पी प्लस एक्स पी डी वी इक्वल टू 0। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू अगर निकालने की कोशिश की, माइनस वी डी पी बाय डी वी, तो आपको मिल रहा है एक्स पी। ओके, सो
बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट एक्सपी फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक्स इज दिस पावर ऑफ वी एंड पी इज द प्रेशर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यू शुड रिमेंबर दिस, दैट बीटा इज इक्वल टू एक्स पी फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. हाँ, यहाँ एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी. सो के इज इक्वल टू 1/बीटा. कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा वो उतना कम कंप्रेसिबल होगा, और इसका उल्टा भी ट्रू है, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी उसका बल्क मॉडुलस कम होगा. ओके, बल्क मॉडुलस का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. बेसिकली क्या है, एक फिश पाई जाती है काफ़ी डीप पार्ट ऑफ द सी में, जिसका नाम है एंगलर फिश. ओके, तो ये एट ए ग्रेट डेप्थ ऑफ 10 1 किलोमीटर, जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अबाउट 100 एटमोसफेयर. ओके, तो ये इतना सारा प्रेशर कैसे झेल लेती है, इसके बॉडी में कहीं भी कोई एयर स्पेसेस नहीं होते. ठीक है, एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन योर फ्लैश और योर बोन्स. ओके, तो एयर स्पेसेस नहीं होते तो ये कंप्रेस नहीं होती, एज कंपेयर टू अदर फिश जिनमें काफ़ी सारे एयर स्पेसेस होते हैं. ठीक है, तो इसलिए काफ़ी डेप्थ पर आपको मिल जाती है, और इसका साइज भी बहुत छोटा होता है. द लार्जेस्ट ऑफ एंगलर फिश आर अबाउट 12 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज शीयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इसमें क्या होता है, आप एक एरिया पर, दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आप उस एरिया पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, ये लेंथ एक्स है, और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की डायमेंशन है वो एच है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, दिस इज एच. ओके, दिस इज एच, और ये एंगल थीटा. तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले स्ट्रेस डिफाइन करते हैं. शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज पैरेलल टू द एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया. ओके, एंड स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन इज हाउ मच, शियर स्ट्रेन इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर डायमेंशन. ओके, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा एज द थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो ये 10 थीटा या थीटा दोनों के बराबर लिखा जा सकता है. ठीक है, इसके जो मॉडुलस होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसका अगेन सेम फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट अपॉन एरिया अपॉन थीटा. ठीक है, ध्यान से देखें, दो स्ट्रेसेस में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. जैसे कि मान लेते हैं ये नॉर्मल है इस एरिया पर, और यहाँ से एक फोर्स ऐसे लग रही है, इस नॉर्मल के साथ ये थीटा एंगल बना रही है, एफ फोर्स. इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट करेंगे, एक जो एरिया के पैरेलल आएगा वो इस केस में एफ साइन थीटा आ रहा है, और एक जो नॉर्मल के अलोंग आएगा वो आ रहा है एफ कॉस थीटा. तो अगर मुझसे कोई पूछता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो है एफ परपेंडिकुलर, विच इज एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया. मगर शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस है बेसिकली एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, फोर्स का वो कंपोनेंट शियर स्ट्रेस क्रिएट करता है जो एरिया के पैरेलल है. ओके, एंजॉय.